तो गाइस कुछ ऐसी लग रही है इंस्टॉल करने के बाद कि फ्रंट से इतना प्यारा लुक आ रहा है इसका, जो येलो लाइट है देख सकते हो आप। दूसरा इसका वर्जन दिखाते हैं व्हाइट वाले का। ओह माय गॉड, व्हाइट वाली तो और भी धांसू लग रही है। तो देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है, ये अपनी खाली रोड फोकस पूरा सही मार रही है ये, तो मेरे को तो बहुत सही लग रही है गाइस। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस साइड इज आकाश गुरुंग, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। सो ऑलराइट गाइस, व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल्स, जो जो मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज आके सब्सक्राइब करना। और गाइस आज का व्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है, आज के व्लॉग में मैं करने वाला हूँ अपने अप्रिलिया स्ट्रॉन्ग 125 में LED इंस्टॉल। तो काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि उसमें LED करने के लिए, क्योंकि हेलोजिन पे कंपनी से लगी हुई आती है, तो हेलोजिन इतनी खास नहीं लगती मेरे को, क्योंकि काफी दिक्कत होती है राइडिंग करने में। और बेसिकली LED के लिए मेरे को रिकमेंड किया है मेरे दोस्त अमित दा ने, आप शायद जानते हो कि लास्ट वीडियो ऑफ रोडिंग वाले में आया था वो। अगर जिसने ऑफ रोडिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, बट पहले ये वाली वीडियो पूरी देख के जाना, फिर बाद में वो वाली वीडियो देखना। तो आज मैं जाने वाला हूँ उपतन्ना नगर के सोना ऑटो ग्राफिक शॉप में। तो बेसिकली गाइस वो एक नंबर की शॉप है, वहाँ हर चीज़ का काम होता है, बाइक से लेके कार से लेके एक्सेसरीज से लेके हर चीज़ के पार्ट्स मिल जाते हैं, और मेरे घर से वही नियर बाय है। मैं सोच रहा था करोल बाग जाने के लिए, फिर मैंने सोचा एक LED के लिए इतनी दूर करोल बाग क्या करने जाना, इतने का तो पेट्रोल लग जाएगा। आपको पता है गाइस पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, तो और गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है, तो मैंने सोचा इतनी दूर के कौन जाएगा। तो पास ही में एक अच्छी शॉप मुझे मिली और उसका रिकमेंड मेरे को अमित दा ने किया, तो बेसिकली अब मैं जा रहा हूँ वहीं पर। तो देखते हैं कौन सी LED लाइट मैं इंस्टॉल करूंगा। अगर आपको जानना है तो ब्लॉग में पूरा बने रहिए। गाइज अभी हमने खरीदी है, हमने परचेज करी है, ये CYT कंपनी की है LED लाइट। इसमें डुअल है, लो भी मारोगे तो इसमें येलो दिखेगी, हाई भी मारोगे तो इसमें वाइट दिखेगी LED। तो बेसिकली बहुत सही है, और मुझे पड़ी है 750 रुपये की गाइज। एंड इसका एड्रेस है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। एंड थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड मारना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, और देख सकते हो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि ये है अपना द्वारका मोड़ वाला, नवादा वाला। यहाँ आपको ही पता है कितना कंजेस्टेड एरिया है। तो ये दुकान के मालिक है, अंकल जी कुछ बोलना चाहते हो आप? ये बेटा अपने दुकान का नाम भी चलता है। हाँ जी अंकल जी, अगर बाई चांस यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को आना पड़ा तो कैसे आएगा यहाँ पे, एड्रेस आप बता सकते हो? अगर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए तो कैसे? ओम बिहार, पिलर नंबर 709। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 709 के बिल्कुल माता रूप रानी के बिल्कुल सामने। अच्छा, माता रूप रानी के सामने देख सकते हो हॉस्पिटल है, उसके सामने गाइस देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहाँ पे मेट्रो से आओगे तो उपतन्नागर वेस्ट को उतरना पड़ेगा ना, वेस्ट पे। अच्छा, तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे ये अंकल की दुकान में तो बहुत अलग अलग चीज़ें करा सकते हो आप। यहाँ पे हर चीज़ का मिलता है, बाइक से लेके गाड़ी का सामान पूरा एक्सेसरीज मिलता है यहाँ पे, और आपको ग्राफिटिंग कराने में तो उसका ही मशीन वहाँ पे है गाइस। बेसिकली गाइज मैंने LED लाइट इंस्टॉल करवा ली है, तो अभी इसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ कैसी है इसका फोकस एंड कैसी इसकी ब्राइटनेस है। तो देख सकते हो ये है उसकी दूसरा वर्जन, येलो शेड, एंड दो शेड है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब दिखाता हूँ मैं आपको वाइट शेड, तो देख सकते हो बेसिकली काफ़ी सही लगा मुझे 750 रुपये में। अगर आपको भी परचेज करनी होगी तो मैं इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सोना शॉप नाम से है, और वहाँ पर बहुत सही सही काम होते हैं, गाड़ी के एक्सेसरीज से लेके बाइक की एक्सेसरीज तक A to Z काम होते हैं गाइस। देख सकते हो बहुत फेमस शॉप है वो अपने एरिया की, तो मेरे को तो सही लगा। मैंने और दुकान से भी पूछा था, वहाँ रेट थोड़े ज़्यादा थे देखा जाए यहाँ के रेट से, बट मेरे को तो सही लगा, ये CYT की है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आइए कॉमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको भी परचेज करना होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर गुरुंग ब्रदर का रेफरेंस डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। एंड ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आइए कमेंट सेक्शन में बताना। अभी मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूँ, और थोड़ा आगे अभी इसको चला के दिखाऊंगा रोड में कैसा है इसका। अभी तो मैंने स्कूटी खड़ी कर रखी है, अभी थोड़ा टेस्ट लूँगा रोड में जाके कैसा इसका रिजल्ट आता है। एंड अभी तो मेरे को देखने में सही लगा, अभी थोड़ा मैं ट्राई करके आया हूँ रोड में, बट मेरे को सही लगा। अभी थोड़ी सुनसान सी रोड हो ना गाइस, तो उसमें आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। अभी मैं राइट नाउ खड़ा हूँ द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन में, अभी मेरा ब्रदर आ रहा है तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आता है तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ गाइस, बने रहिए।
तो गाइस कुछ ऐसी लग रही है इंस्टॉल करने के बाद कि फ्रंट से इतना प्यारा लुक आ रहा है इसका, जो येलो लाइट है देख सकते हो आप। दूसरा इसका वर्जन दिखाते हैं वाइट वाले का, ओ माय गॉड वाइट वाली तो और भी धांसू लग रही है। तो देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है, ये है अपनी खाली रोड, फोकस पूरा सही मार रही है ये, तो मेरे को तो बहुत सही लग रही है गाइस। एंड अपने टूर के लिए बहुत जल्दी रेडी होने वाली है अपनी अफ्रीलिया स्ट्रॉन्ग, और बहुत जल्दी एक नया टूर लगेगा, वो भी बहुत लंबा टूर लगेगा, वो सीधा पहाड़ से सीधा पहाड़ियों में जाएगी गाइस। इस बार तो बहुत मज़ा आने वाला है, और जिसने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी ऑफ रोडिंग की तो ऊपर जाके देख सकते हैं, आई बटन में इसका लिंक आ रहा है गाइस। अब करते हैं राइड गाइस, और राइड में दिखाते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है गाइस। तो गाइस अभी मैंने आपको खड़े हुए इसकी तो परफॉर्मेंस दिखा दी थी, अभी राइड कर रहा हूँ, राइड करते हुए आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ मैं। और उस टाइम मैं थोड़ा वेट कर रहा था अपने भाई का, मेरे भाई का आ चुका है और अभी मैं चल रहा हूँ। अब देख सकते हो चलते हुए इसका फोकस बिल्कुल सही है, और आगे जाकर थोड़ी ब्राइट सी हो रही है, वो मेरे को बहुत सही लग रहा है। अब मैं इसका दूसरा वर्जन दिखाता हूँ, ये है फॉग लाइट, इसमें तो भाई साहब मेरे को कुछ ज़्यादा ही दिल सा आ गया है। एक यही रीज़न की वजह से मैंने ये वाली खरीदी CYT, बहुत सही है लाइट। अगर आपको भी पसंद आएगी तो प्लीज़ आप भी जाके परचेज़ कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जाके परचेज़ करना, क्योंकि जिसका लो बजट है बहुत सही चीज़ है ये, देख सकते हो बिल्कुल बहुत सही लग रही है मेरे को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आके कॉमेंट सेक्शन में बताना, जो हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब करना। एंड इस लाइट के बारे में पूरी डिटेल जाननी होगी तो प्लीज़ हमें जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अब फैला दो यारो।